हेलो एवरीवन, सो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करी थी। इस एक्सरसाइज में हम 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4th के लास्ट पार्ट तक कंप्लीट करेंगे एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 हमारी अगली वीडियो में आएगा। सो यहाँ पे तीन आइडेंटिटी दिख रही होंगी। ये तीन आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए तो खासकर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है पहली आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल वन। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आता है तो हम उसकी जगह वन लिख सकते हैं। अगर आपको याद होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करा था, इससे क्या था हमारा क्वेश्चन भी छोटा हो गया था। वैसे हम लंबे मेथड से भी कर सकते थे पर ऐसे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगली आइडेंटिटी कह रहा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके, सेक स्क्वायर ए के। या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए के। ये वाली भी आइडेंटिटी बन सकती है। इसको भी बना सकते हैं कि अगर हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए के, और अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल होगा ये, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ये भी बन सकते हैं। ऐसी तीसरी आइडेंटिटी कह रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो यहाँ से अगर मुझे कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो इसमें लिख सकते हैं कि हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये वाली भी चीज़ इसमें लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए की टर्म्स में लिखना है, यानी साइन ए को कॉट ए बनाना है, सेक ए को भी कॉट ए बनाना है और टेन ए को भी हमें कॉट बनाना है। देखते हैं साइन ए कैसे बनेगा। तो हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल वन के हैं, ये हमने पढ़ी है। तो अब हमें पता है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, क्योंकि अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो इसमें कॉट ए नहीं आएगा क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, तो हम इससे सेक बना सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हमें ये चीज़ देखनी कि कहाँ से हमारा कॉट ए निकल के आए। तो हमें पता है कि साइन ए कॉसेक ए का उल्टा होता है, या अगर मैं कहूँ कि साइन ए होता है वन बाय कॉसेक ए। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉसेक ए किसके इक्वल होता है हमारा, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन के। अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए तो ये चीज़ पूरी किस में चली जाएगी, अंडरहुड में। हम इसमें लिख सकते हैं ना कि कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अगर हमारा कॉसेक स्क्वायर ए के है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इक्वल हो गया हमारा कॉसेक ए के। ये स्क्वायर अंडरहुड में लग गया तो इसकी जगह ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिखेंगे किसकी जगह, कॉसेक ए की जगह क्या लिखेंगे, रूट में कॉस हमारा आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, और हमें क्या करना था इसे कॉट की टर्म में लाना था तो कॉट आ गया। साइन किसके इक्वल हुआ, वन बाय रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस वन के। तो ये वाली चीज़ तो हमारी बन गई, साइन ए हमारा पूरा हो गया। अब बात करते हैं किसके, हमारे सेक ए की। सेक ए की बात करते तो सेक ए कहाँ से बनेगा। अब हमें पता है कि कॉट तीन तरह से निकल सकता है, या तो कॉसेक से, या तो निकल सकता है टेन से क्योंकि टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, या हम कह सकते हैं कि कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन की तरफ से भी यहाँ पे निकल सकता है। तो अब या तो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सेक ए, तो पहले हम आइडेंटिटी में देखते हैं अगर मुझे टेन मिल रहा है तो ईजिली कॉट निकल सकता है, और अगर नहीं है तो कुछ और देखते हैं कि कहाँ से निकलेगा। जो मेरा sec a का यानी sec स्क्वायर a का फॉर्मूला वो है 1 प्लस में tan स्क्वायर a। सेम अगर मुझे ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए तो क्या कर देंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे, यानी हम लिख सकते हैं sec a की जगह रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया sec a की जगह, मेरा sec क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ना कि रूट में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। अब कॉट निकल सकता है, कैसे निकलेगा कि हमें पता है टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा, यानी हम इसमें लिख सकते हैं वन प्लस वन बाय कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है कि हमारी एक आइडेंटिटी थी, कौन सी आइडेंटिटी थी, कि कॉट ए था इक्वल वन बाय टेन ए के।
या टेन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वन बाय कॉट ए के, तो मैंने सेम लिख दिया, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। अब इतना भी छोड़ सकते हैं पर एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेक ए इक्वल हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन में कितना आया, कॉट स्क्वायर ए। तो हमारा जो सेक ए है वो भी किस में हो गया, कॉट में चेंज हो गया। अब सेक भी कॉट में चेंज हो गया, बचा क्या, टेन ए। तो भाई अभी देखा था कि जो टेन ए होता है वो हमारा क्या होता है, वन बाय कॉट ए। इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बहुत ही ईजी था ये लास्ट वाला तो खासकर, बाकी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी। दोबारा से देखते हैं पूरे क्वेश्चन में क्या हुआ। हमें बोला था कि साइन ए सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए में चेंज करना है। अब साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो तो ये वाला भी होता है, पर कॉस से कॉट तो नहीं निकल सकता, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसे वन बाय कॉसेक करा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ए का एक फॉर्मूला होता है जो होता है वन बाय कॉसेक ए। अब यहाँ पे हमने इस वाली आइडेंटिटी में देखा कि कॉट ए लाने के लिए कॉसेक ए चाहिए था, कॉसेक ए तो हमारे पास है, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, यहाँ पे अंडरवुड लग जाएगा, अंडरवुड लगा दिया मैंने और सेम लिख दिया कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, ये वाली चीज़ आ गई। तो कॉट ए के टर्म में लाना था, कॉट ए आ गया तो हो गया। अगला सेक ए को लाना था, तो सेक यहाँ पे हमें पता है कि सेक आइडेंटिटी में दिख रहा है कि टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है और टेन ए कॉट ए का उल्टा होता है, तो यहाँ पे टेन ए के टर्म में मैंने इसे लिख दिया कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का, यानी टेन का फॉर्मूला होता है वन बाय कॉट ए, तो यहाँ पे वन बाय कॉट ए लिख दिया। अब स्क्वायर कहाँ से है, क्योंकि वो टेन स्क्वायर था इसलिए वहाँ पे स्क्वायर, इफ अगर वो क्यूब होता तो वो क्यूब में आता, पर वहाँ पे स्क्वायर दिया तो मैंने स्क्वायर में लिख दिया। सेम इसका एलसीएम लिया, इतना भी छोड़ सकते हैं बट एलसीएम लिया ताकि अच्छा लगे दिखने में। तो कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे प्लस वन अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ये भी कॉट ए के टर्म में हो गया चेंज। अब टेन ए था तो टेन ए का तो फॉर्मूला यहाँ यूज़ करा था, क्या यूज़ करा था, वन बाय कॉट ए, तो टेन ए इक्वल वन बाय कॉट ए। इन तीनों को ही कॉट ए के टर्म में चेंज करना था और ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, तो आगे देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला आप नोट डाउन करिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू हमारा आ गया है, इसमें कह रहा है कि हमें क्या करना है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो हमारे एंगल ए के हैं उन्हें सेकेंड में चेंज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से, साइन कॉस टेन कॉसेक सेकेंड कॉट, ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हमारे, यानी फंक्शंस थे हमारे, इन्हें उनका एंगल हमें ए लेना है। जैसे सेक ए लिया तो हम कॉट ए ही लेंगे, कॉट बी नहीं लेंगे, वैसे ही साइन ए ही लेंगे, साइन बी नहीं लेंगे, एंगल ए में ही चलाना है। और उन सबको किस में चेंज करना है, हमें सेक ए में चेंज करना है। तो बढ़ते हैं आगे, अब पहला आता है हमारा साइन ए, साइड में लिख देते कितने फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, होते हैं साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए कॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे सेक ए एंड कॉट ए, ये होता है। अब सेक तो हम चेंज करेंगे नहीं, ऑलरेडी इसी में ही चेंज करना है, तो इसे छोड़ दो, बचे कितने, पांच बचे। तो अब इन पांच को हमने चेंज करना, पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो थी कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इक्वल वन, है ना। अब यहाँ पे मुझे चाहिए साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल पहले करेंगे वन बाय कॉस स्क्वायर ए, और साइन की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को क्या कर देंगे, यहाँ पे हम अंडरवुड में ले लेंगे, ये वैल्यू निकल गई हमारी किसकी, साइन ए की। तो साइन ए इतना आ गया, मुझे कह रहा था सेक में चेंज करने, इतना मैंने क्यों करा, क्योंकि कॉस सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉस से सेक निकाल सकते हैं इसलिए मैंने इसे चेंज करा। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस में कहाँ से क्या निकलेगा, जैसे कि कॉस सेक का उल्टा होता है, तो अगर कॉस आ गया तो सेक इजली निकाल सकते हैं, इसकी जगह अगर मान लो कॉट होता तो मुझे टेन में निकालना पड़ता या कुछ और ढूंढना पड़ता जिससे मैं यहाँ पे वो चीज़ ला सकती हूँ, तो मुझे सेक चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस यूज़ करा है। अब हमें पता है कि कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए था,
अब इसका एलसीएम लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाय सेक स्क्वायर ए, पूरा किस में चल रहा है, ये अंडर रूट में चल रहा है, ये किसकी वैल्यू है हमारी, साइन ए की। तो मुझे सेक में ही चेंज करना था और सेक में ही मैंने इसे चेंज कर दिया, किसको, साइन को। तो साइन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आते हैं किस में, कॉस में। तो कॉस में बढ़ते हैं आगे, इसे मैं रफ कर रही हूँ, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा था कि कॉस में चेंज करना, तो भाई अभी हमने पढ़ा कि कॉस ए क्या होता है, वन बाय सेक ए होता है, तो ये तो सीधे सॉल्व हो गया, कॉस ए तो यूं ही सॉल्व हो गया, तो कॉस ए हो गया, साइन ए हो गया, क्या बचा, टेन ए। तो टेन ए, अब देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी, हमारी सेकेंड आइडेंटिटी क्या कह रही है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है sec square a के। और यहाँ पे मैंने निकाला भी है कि जो भाई tan square a है वो sec square a माइनस वन के, पर मुझे क्या चाहिए, सिर्फ tan a। पहले ये वाली आइडेंटिटी लिखते हैं, क्या बोल रहा था इसमें, ये तो पहले दूसरा है और ये क्या हमारा तीसरा, ठीक है। तो tan square a इक्वल है वन sec square a माइनस वन के, sec square a माइनस वन के, ये है। यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए, सिंपल चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो tan a ऐसे का ऐसे ही, रूट में ले गए, क्या है यहाँ पे, sec स्क्वायर a माइनस वन, सिंपल चेंज हो गया, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि मुझे स्क्वायर हटाना था इसलिए मैंने अंडर रूट में लिया, इफ़ अगर वो सिर्फ tan a होता तो उतना ही रहता, चेंज करने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती। आगे आगे कह रहा है cosec a, तो भाई अभी हमने निकाला था एक, हमारा क्या निकला था, साइन की वैल्यू निकली थी, है ना, पर यहाँ पे मुझे कह रहा है cosec a, cosec a हम जानते हैं क्या होता है, कौसे के वन बाय साइन ए। अब हमारी साइन ए की जो वैल्यू निकली थी, जो हमारा आंसर निकला था ना, उसका अपोजिट कर लेना, मैंने रफ कर दिया तो उसके आगे मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। साइन ए की वैल्यू यहाँ से क्या लिखी थी, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये लिख दिया मैंने। और कॉस किस में चेंज हो सकता है, सेक में, तो मैंने लिख दिया वन अपॉन में sec स्क्वायर a माइनस वन बाय sec स्क्वायर a, ठीक है, ये आ गया, ये हमारा पहला आंसर निकल रहा होगा साइन का। तो उसी का सेम अपोजिट हमें पता है cosec होता है, तो मैंने उसका अपोजिट कर दिया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करा है। तो तीन निकालो, तीन ऑटोमेटिकली खुद ही निकल जाएंगे, sec में तो चेंज ही करना है, sec निकाल नहीं सकते। cot a, अब देखो cot, ये tan जो होता है, मतलब कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगी कॉट, कॉट ए निकालना है, मुझे पता है वन बाय क्या होता है वो, टेन ए, और टेन ए की वैल्यू कितनी निकली, सेक स्क्वायर ए रूट में माइनस वन, तो यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेम निकल गया। इसलिए कहते हैं कि तीन निकालो, तीन उसके ऑटोमेटिकली निकलेंगे, रूल याद करो, तीन की करो, तीन ऑटोमेटिकली, अगर अलग अलग है तो सारे करने पड़ेंगे, पर अगर सेम है तो तीन याद करो, तीन अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन है, क्या करा हमने, एंगल ही जितने भी है, ये सारे जितने एंगल्स हैं हमें इसमें सेक में चेंज करना है, तो ईजिली ये सेक में चेंज हमारे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कम्प्लीट हुआ, इसके बाद बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कह रहा है हमें इवेल्युएट करने, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। वैल्यू दी है, मतलब क्वेश्चन दिया है हमें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब मैंने एक चीज़ आपको पहली वीडियो में बताई थी कि हम दोनों इस दोनों का कंपैरिजन करते हैं, इफ़ इन दोनों का सम 90 के इक्वल होता है तो हम ईजली इसको काट सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसे प्लस करके 27 इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ गया इक्वल। वैसे एक बार इन दोनों को भी प्लस करके देखते हैं, फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे 17 और 73 को प्लस करके देखा तो ये भी 90 के इक्वल, मतलब हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। इफ़ अगर वैल्यू कुछ और होती और ये 90 के इक्वल नहीं आता तो नहीं कर सकते थे ऐसा, तो यहाँ पे तो आ रहा है इक्वल तो कर लूँ।
या तो साइन स्क्वायर इसको चेंज करो या तो साइन स्क्वायर 27 को चेंज करो, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। वैसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को चेंज करो या तो कॉस स्क्वायर 73 को चेंज करो, तो दोनों में से किसी एक को ही करना है। यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर 63 को चेंज करूँगी, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हमारा थीटा कितना आएगा, कितना माइनस करें 90 से, जो 63 आ जाए तो कह सकते हैं कि 27 डिग्री अगर माइनस करें 90 से तो वहाँ पे 63 डिग्री आ सकता है। सेकंड एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वैसे ही इन दोनों में से किसी एक को यानी कॉस में से किसी एक कॉस को हमें चेंज करना होगा, तो मैंने फर्स्ट वाले को चूज़ करा कॉस स्क्वायर 90 माइनस, कितना माइनस करें कि 17 आ जाए, तो 73 माइनस करेंगे प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूले लिखवाए थे, कौन से लिखवाए थे कि साइन 90 माइनस ए इक्वल होता है किसके, कॉस ए के, कॉस 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है हमारा साइन ए के, ये लिखवाए थे फॉर्मूले, ऐसे ही थे बहुत सारे। तो यहाँ पे देखो आप कह रहे हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अगर मान लो मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँ तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए कितना है हमारे लिए 27, तो 27 डिग्री लिख दिया। सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर 27 डिग्री ऐसे चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस से मैंने इसमें स्क्वायर लगा दिया तो साइन स्क्वायर ही आंसर आएगा, तो कॉस स्क्वायर सेम 90 माइनस ए 73 क्या है इसके लिए ए, तो क्या आंसर आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए कितना है 73 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73। अब थीटा दोनों के इक्वल है, थीटा दोनों के क्या है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल किसके होता है 1 के, तो ये भी सेम जा रहा है, साइन पहले भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, पर उनके एंगल सेम होने चाहिए, उन दोनों में स्क्वायर लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आ गया, इन दोनों का करा तो भी 1 आ गया, तो आंसर मेरा क्या है यहाँ पे 1। क्या करा मैंने, इसमें बोले साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27 दिया है, तो दोनों को पहले कंपैरिजन करें, दोनों को ऐड करके देखा कि क्या 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 90 आ रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, इन दोनों में से मैंने साइन 63 को चेंज करा, साइन स्क्वायर 63 को चेंज करा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करें कि 63 आ जाए, तो 27 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 63, तो यहाँ पे 90 माइनस 27 लिख दिया, सेकंड को एज इट इज लिखना है। दूसरी बात, कॉस स्क्वायर 17 दिया है, कॉस स्क्वायर 73 दिया है, तो दोनों का भी सम 90 आ रहा है। अब 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, मैंने कॉस स्क्वायर पहले वाले को चेंज करा यानी 17 वाले को चेंज करा, अब इसे चेंज करा तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 17 आएगा, तो यहाँ पे 73 माइनस करेंगे, तो कर लिया, अब मेरा एंगल निकल गया, साइन स्क्वायर 90 माइनस से इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, तो कॉस स्क्वायर 27 लिख दिया, साइन ऐसे का ऐसे ही, कॉस स्क्वायर 90 माइनस से, कॉस स्क्वायर 90 माइनस से किसके इक्वल है साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर ए कितना है 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज। अब एक आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है हमारी, ये वाली, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, दोनों के एंगल सेम है, एंगल सेम होने जरूरी होते हैं, ठीक है, और दोनों में स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं, तो 1 के इक्वल लिख दिया, सेम दोनों में यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है और एंगल भी सेम है, तो इक्वल लिख सकते किसके 1 के, अब 1 के इक्वल लिख दिया तो आंसर भी क्या है 1 आ गया। अब थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकेंड वाले में देखते हैं, इसमें भी सेम है, दोनों का ऐड करके देखते कि क्या 90 आ रहा है, तो यहीं से ऐड कर लो 5 5 10 6 7 8 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, उसको भी कर लो तो सेम वहाँ पे तो आएगा क्योंकि डिजिट दोनों की सेम है। अब एक को चेंज करना है, दोनों को नहीं करेंगे एक को चेंज करेंगे, तो मैंने साइन को चेंज करा 90 माइनस से, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर पहले वाले को कर रही हूँ तो आप भी पहले वाले को ही करो, दूसरे को भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई चिंता लेने की बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, तो अब किसी को भी चेंज करो, मैं फर्स्ट को इसलिए करती हूँ क्योंकि इजी सॉल्व हो जाता है, अब सेकंड को कौन करेगा,
ट्राई करना हो जाएगा। 90 माइनस कितना माइनस करेगी 25 है, तो 65 डिग्री करा, इनटू में चल रहा है हमारा कॉस 65, प्लस में कॉस 25 है तो कॉस को ही चेंज करते हैं, 90 माइनस कितना माइनस करें 65 डिग्री माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और साइन 65 एज इट इज़ क्या करा, साइन में 90 में से कितना माइनस करेंगे 25 आए, तो 65 माइनस कर दिया और कॉस को एज इट इज़ रखा। कॉस को मैंने यहाँ चेंज करा, 90 में से कितना माइनस करेंगे 25 आए, तो मैंने 65 लिख दिया क्योंकि आगे 65 है, तो साइन 65 एज इट इज़ लिख दिया। साइन 90 माइनस है, अब यहाँ स्क्वायर हटा दो, साइन 90 माइनस है किसके इक्वल है कॉस ए, और ए क्या है इसके लिए 65, इसके लिए भी क्या है यहाँ पे 65, तो 65 डिग्री हो गया, कॉस 65 डिग्री हो गया, ठीक है। प्लस में कॉस 90 माइनस है, अब इसमें से भी स्क्वायर हटा दो, कॉस 90 माइनस है किसके इक्वल है साइन ए के, तो साइन 65 हो गया और यहाँ पे हो गया साइन 65, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस कॉस दोनों की इनटू हो रही है और सेम एंगल है, तो कॉस स्क्वायर 65 लिखते हैं। इफ अगर ऐसा होता है यहाँ पे 65 होता है यहाँ 35 होता तो इनटू भी नहीं होती इनटू, दोनों के एंगल सेम है ना, इसलिए वो इजीली इनटू हो चुकी है कॉस स्क्वायर 65। अब यहाँ पे भी इनटू सेम है तो साइन स्क्वायर 65, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है फर्स्ट वाली, फर्स्ट में क्या था कि कॉस स्क्वायर ए ये हमारे लिए ए है, प्लस में साइन स्क्वायर ए दोनों के एंगल भी सेम है, तो ये इसको लिख सकते हैं कि इक्वल किसके होगा 1 के होगा। तो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अब आएंगे हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे फोर्थ में है, उसका लास्ट पार्ट तक, फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट करेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा पहला पार्ट कह रहा है कि 9 sec square a माइनस 9 tan square a किसके इक्वल है वो बताना है। तो अब आइडेंटिटी देखते हैं, सबसे पहले कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है नहीं हो रही है ये चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब sec और tan को देखो क्या रिलेशन है, बिल्कुल है, तो हम sec square a या तुम कोई से भी चेंज करो, sec square a को चेंज करो, मतलब sec square a की जगह आप v वाली वैल्यू लिख सकते हो, या तो आप tan square a की जगह tan वाली वैल्यू लिख सकते हो, कोई सी भी लिख सकते हो, मर्जी होती है। तो अब मैं यहाँ पे sec square a की जगह लिखूंगी 1 प्लस में tan square a, और दूसरे वाले को चेंज नहीं करना, सिर्फ एक को ही चेंज करना है, तो 9 tan square a ऐसे का ऐसे, क्योंकि अगर बना रहे हो तो 10 10 में बनाओ ना, 10 ऐसे वहाँ पे चेंज करा sec आ गया तो फ़ायदा क्या, आया तो वही ना, घूम फिर के वही आ गया, तो किसी एक को चेंज करो, रिलेशन सेम सेम के बनाओ, 10 है तो 10 के, sec है तो sec के। 9 प्लस 9 tan square a क्या करा, इंटू करे 9 वन जा 9, 9 tan square a की इंटू, तो सेम लिख दिया माइनस में 9 tan square a की माइनस, प्लस माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या है आंसर 9, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये बी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, एक वैल्यू को चेंज करो सेकेंड को मत करो, तो ईजिली आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ हुआ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा हमें दिया है किसके प्लस के sec थीटा, और साथ में दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस का दिया है हमें क्या cosec थीटा, ये हमें दिया और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है। तो फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कह रहा है ऑप्शन है 0 1 2 और माइनस 1, 0 1 2 माइनस 1 डी सी बी, अब इनमें से कोई एक ऑप्शन है, तो देखो पहले तो वैल्यू सही उतारी है, ये चेक करना भी ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल सही है, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मेन काम ये होता है कि ना कोई भी टेन कोई भी sec हो, सबसे पहले साइन कॉस टेन में उसे चेंज करना चाहिए, टेन है तो क्या चेंज करना ज़रूरी है, कर सकते हैं, मतलब मेन होता है कि उसमें पहले चेंज करो आप साइन थीटा या कॉस थीटा में, दोनों में से इन दोनों में चेंज करना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे वो सॉल्व इजीली हो पाता। अब तुम कहाँ कहाँ से क्या आइडेंटिटी यूज़ करोगे, ऐसे शॉर्ट बोलते हैं एक बार ट्राई करते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक का होता है, सेक किसका होता है कॉस थीटा का, तो लिख दिया 1 प्लस में कॉट 10 का उल्टा होता है, अगर 10 हमने साइन बाय कॉस लिखा है तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा,
और कॉसेक होता है हमारा किसका, 1/sin। अब हो गया साइन कॉस में पूरा चेंज हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइन प्लस का 1 अपॉन में चल रहा है हमारा किसके, कॉस थीटा के इक्वल। और यहाँ पे चल रहा है हमारा क्या, साइन थीटा का एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे 1 से इंटू कर दिया, ठीक है। कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में लिख रहा है मेरा साइन थीटा, ये हो गया। अब इसको इंटू करते हैं, तो देखा कि इसको पूरे को मान लो आप ए, और ये 1 मान लिया मैंने बी, क्योंकि सेम से मैं तो मान सकते हैं। अब एक ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ माइनस का साइन है, माइनस है माइनस, तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। सेम आइडेंटिटी ऊपर यूज करेंगे, तो कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का तो क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये पूरा ए माना था ना, तो ए का स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर, कोई प्लस में होना तो होल स्क्वायर जाता, अगर नहीं होता ना तो सीधा सीधा स्क्वायर बोल देते। माइनस का बी, बी क्या है हमारे लिए 1 का स्क्वायर, अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ऊपर का मिटो दे दे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करें हम। ठीक है, तो अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया। इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं, तो ए क्या है, ये ए है, साइन क्या है, बी है, ठीक है। तो आप लिख दो ए स्क्वायर है तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, टू ए क्या है कॉस थीटा, बी क्या है यहाँ पे साइन थीटा प्लस में बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर है तो 1 ही रहेगा, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वो 1 होते हैं। ये भी कॉर करके चल रहे हैं कि कोई आइडेंटिटी यूज़ तो नहीं हो रही बीच में, यहाँ पे यूज़ हो रही है तो मैंने लिख दिया 1। सेम चल रहा है प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। माइनस का चल रहा है 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से 1 चला गया, प्लस माइनस का कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, सेम ये है, कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर है हमारा 2, तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी सी क्या है हमारा राइट आंसर है। सेम क्या से सॉल्व करा, इसे पहले तो साइन कॉस में चेंज करा और फिर एलसीएम लिया और वहाँ पे देखा कि मेरा एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करा, फिर वहाँ से हमारा आया कुछ इस प्रकार। तो वहाँ पे देखा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, तो वहाँ पे मैंने उसका फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ये रहा खोल दिया पूरा, इतना ही खुला हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। माइनस का 1 का स्क्वायर पूरा। अब कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रख दिया। सेम 2 कॉस थीटा ऐसे से उतार दिया, माइनस का 1 ऐसे, प्लस माइनस से कैंसल आउट, बचा क्या, सिर्फ इतना पोर्शन, इतना पोर्शन बचा। अब देखा कि ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, काट दो, जो सेम दिखे काट दो, इक्वल क्या है 2, तो आंसर भी कितना है मेरा 2। कौन सा पार्ट है, सी पार्ट इसका आंसर है। तो सेकंड पार्ट ये हो गया, अब इसके थर्ड पार्ट में बढ़ते जाते कैसे, नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है कि sec a plus tan a 1 minus का साइन है। सबसे पहला रूल क्या बताया था, साइन या कॉस दोनों में चेंज करना ही पड़ेगा, तो
क्या ये साइन इसे चेंज करना है? क्यों करोगे? साइन में है ना, तो साइन रहने दो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट सेक और टेन है, या साइन और कॉस से कोई और भी कोई चीज़ें आती है, कोई और फंक्शन आते हैं, तो उसे चेंज करना पड़ेगा ही। अब सेक ये जो होता है वन बाय कॉस ए होता है, प्लस में टेन ए जो होता है हमारा होता है साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। और वन माइनस साइन ए एस इट इज, साइन ए को मत चेंज करो। जब सब साइन ही चेंज करो तो साइन ए को चेंज करके कहाँ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम सेम है, हम लिख सकते हैं कि वन प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ पे है वन माइनस साइन ए, ठीक है। वन प्लस साइन ए, वन माइनस साइन ए, कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे लिख दो, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले। तो ए वन है, बी साइन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आया ए स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर अपॉन में कॉस ए, ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब वन माइनस का साइन स्क्वायर, इसका वन का स्क्वायर करोगे वन ही आएगा, तो ऐसे रहेंगे, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रहता है। अब ये किसका आइडेंटिटी है, वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के, तो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए के अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉस है और यहाँ पे कितना है एक, तो एक से एक कट गया, कितना बचा कॉस ए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ, कॉस से इक्वल आ गया, ठीक है। साइन चेंज, साइन में चेंज करा, कॉस में चेंज करा, देन एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे आइडेंटिटी में फॉर्मूला लग रहा था कौन सा, वन प्लस साइन है, वन माइनस साइन है, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने देखा कि आइडेंटिटी में एक चीज़ बन रही थी वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पे है कॉस, यानी ऊपर दो कॉस है और नीचे क्या है एक कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कटिए, कितना बचा कॉस ए, ठीक है। अब आगे कह रहा है फोर्थ हमारा लास्ट पार्ट है, कह रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर है, क्या इसे साइन और कॉस में चेंज करें, करेंगे, पर उससे पहले हमें ये देखना है कि कोई आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो रही। अब इसमें देखो वन प्लस टेन स्क्वायर ये हटा दो, ये उसी वक्त के लिए रखा था बस, तो यहाँ पे कह रहा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल है सेक स्क्वायर के, तो वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अपॉन में वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर ऊपर नीचे चलेगा, दोनों पॉजिटिव ही हैं इतना तो पता है ना, तो कॉट स्क्वायर प्लस वन कितना है कॉसेक स्क्वायर ए के, कॉसेक स्क्वायर ए के। अब सेक क्या होता है, अब इसे करो साइन और कॉस में चेंज, सेक क्या होता है वन बाय कॉस ए होता है, पर स्क्वायर लगाए तो इसलिए स्क्वायर भी लग गया, कॉसेक ए जो होते हैं वन बाय साइन होता है और स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसकी इधर इंटू करी, इसकी इधर इंटू करी, तो क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इक्वल है हमारा किसके टेन स्क्वायर ए के, तो हमारा ये आंसर भी आ गया, कितना आया हमारा टेन स्क्वायर ए, जो कि कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे भी है सेम ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट। तो क्या करा, पहले आइडेंटिटी यूज हो रही थी वन प्लस टेन स्क्वायर है, तो लिख दिया उसकी जगह क्या सेक स्क्वायर है लिख दिया। अब वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या है हमारा, यहाँ पे है हमारा कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर लिख दिया और इसे साइन कॉस में चेंज कर दिया, तो चेंज करके दिखा कि साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन का, स्क्वायर लगा स्क्वायर भी लगा दिया और देखा कि हमारा फोर्थ आंसर इससे मैच कर रहा है, तो फोर्थ आंसर इसका क्या हुआ करेक्ट हुआ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन है आप उसमें हमें बता सकते हैं, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स को कवर करेंगे, टोटल शायद 11 या 12 पार्ट है उसमें, तो वो सारे कवर करेंगे, देन चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो वी के लिए थैंक यू।